तो पापा जी, आपने वाकई अपने संगीत से ना आपने रब को पा लिया हुआ सर। हाँ, क्या बात, वाह। एक बात मुझे याद आई थोड़ी सी जी, मैंने एक बात की, लोग सब हंसे। पहली तो बात ये है कि मैं स्कूल नहीं गया, हिंदी बोलनी बहुत कम आती, पंजाबी आती है, वो बीच में घुसर जाती तो खिचड़ी बन जाती। भाई आपको याद है मेरे पापा पुलिस में थे अमृतसर में, हाजी जितेंद्र कुमार, आपको याद होगा। हाजी हाजी, तो मैं पहली बार मिला, अच्छा मिला मैं कैसे, पापा जी साइकिल पे आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान, अब बच्चा था लेकिन इतनी तो समझ थी कि इतने मशहूर है, इतने पॉपुलर है, साइकिल पे क्यों जा रहे हैं। तो मेरे पापा कहते हैं ये ऐसे ही हैं, ये फकीर लोग हैं, ये ऐसे ही हैं बस। तो पापा जी साइकिल, आपने काफी साल आप साइकिल पे ही मेरे ख्याल से सफर करते रहते। मैं कहता हूँ जी साइकिल मैंने इतना चलाया है कि देखो यहाँ से पटियाला तक, फिर पठानकोट, जम्मू, मोगा, अमृतसर से, अमृतसर से। अरे साइकिल भी कौन सा वाला, जिसके पीछे बड़ा वो दूध के डोने नहीं लेके आते, बड़ा वाला करियर, वो किस लिए लगवाया था पापा जी, वो मुझे नहीं पता। वो इसलिए मैं दो सवारी भी बिठा लेता था। अच्छा इतने रूट पे तो ट्रेन नहीं चलती, छोड़ दिया, चैन टूट गई है। क्या बात है, मतलब इतनी ट्रेनें नहीं चलती पंजाब में, इतना पापा ही ने साइकिल चला दिया। अभी तो जैसे प्यारे ने बोला है ना कि अभी चैन टूट गई, चैन टूट गई, मैं भी चैन से बैठ गया। तो पापा ही गाड़ी लेते क्यों नहीं थे आप पहले? गाड़ी मैं इसलिए नहीं लेता था क्योंकि मैं जमीन से उठा और जमीन से लगा। मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिलते, बहुत बहुत जो झाड़ू फेरते वो भी जफी डाल के फिर मिलते, तो मैं बहुत खुश होता। वो कहते यार, कई लोग पूछते आप गाड़ी क्यों नहीं रखते, मैं कहते मैं गाड़ी में बैठूंगा, घर से बैठूंगा, घर ही जाके उतरूंगा, आपको नहीं मिल सकता। तेरी क्या बात। बड़ा कमाल का एक ना किस्सा मुझे याद आया कि जी मैंने कहा कि पापा जी ऐसा करें, लोग हमें बाहर जब हम जाते हैं तो लोग मजाक करते हैं कि यार आपके फादर साहब का कितना नाम है और वो साइकिल पे स्कूटी पे जाते रहते हैं। और मैंने पापा जी को आके बोला, मैंने कहा पापा जी आप ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी ले लेते। इधर उधर देखा तो बोले कौन सी। मैंने कहा कि पापा जी एक बहुत बड़ी गाड़ी है, एक ऐसे उसमें ना जो बैक साइड की ना उसकी वो विंडोज़ नहीं है और आगे ड्राइवर साइड की और इस साइड की लेफ्ट साइड साइड पे हैं। तो मैंने गाड़ी दिखाई, गाड़ी लाके खड़ी कर दी, तो बोले उसके घूमे, घूम के देखा, ओ काका इसमें अगर आग लग जाए निकलना किधर से है। नहीं लेनी हमने। मुझे कई लोग ऐसे पूछते थे यार आपका लड़का तो लखविंदर वो गाड़ियों में रहता है, आपके पास इतनी गाड़ी, आप गाड़ी में क्यों नहीं बैठते, आप स्कूटरी पर ही रहते हो। मैं क्या, मैं इसलिए रहता हूँ, वो तो ना अमीर बाप का बेटा, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, इसलिए। तो पापा जी पहली बार जब आप जहाज में बैठे थे, आप तो गाड़ी में नहीं बैठ के राजी थे, तो जब पहली बार जहाज में बैठे थे आपको डर नहीं लगा फिर? लगता था। तो पहली फ्लाइट में क्या हुआ था फिर, कुछ हुआ कि नहीं? पहली फ्लाइट में जब मैं बैठा करना ना, मैंने इस करके याद हो आई कि जिस वक्त तो गया ना बहुत ऊंचा, तो जब वो बदल आए तो ऐसे ऐसे करने लगा ना, मैं क्या भी पता नहीं डिगना कितने पहिए होने। तो उसमें दारू भी देते हैं ना, कितनी की शीशी। तो मुझे पूछ के देखो मैंने कितनी पिलाई हो। वो मैंने उनको बोला, लड़की को मैंने, मैं कहा बेटे मेरी बात सुन। कहते क्या, वो हिंदी समझती थी। मैंने कहा तो ऐसे कर भी 8-10 शीशी तोड़ कर तो गिलास मिलाओ। जब वो तार मुझे आई ना, मैंने कहा अभी भी कहीं भी गिर जाएगा तो अभी चोट नहीं लगेगी। ये उस वक्त की बात है। अरे पापा जी अब तो खैर मेरा बनता नहीं, मैं पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं। पापा जब आप जवानी में गाते थे, आप जैसे स्माइल करके गाते हो है ना, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, तो लड़कियां तो बहुत फैन होती होंगी आपकी। अच्छा
उस वक्त की बात छोड़ो, अभी मैंने इधर शिमले में प्रोग्राम था कि लड़की पूछ रही पापा पापा तुम्हारी उम्र कितनी है, मैं कहा बेटे अब क्या लड़ा उम्र से मेरी। अच्छा मैं चलता हूँ। तो चाचा जी आप, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ नहीं कोई किसी ने आके प्रपोज ही कर दिया हो शादी से पहले जब आप गाते थे, किसी ने कह दिया हो कि प्यारे जी आप मुझे बड़े प्यारे लगते हो, कभी ऐसा हुआ नहीं वाक्या? हो जाता कभी कभी। अभी भी हो जाता है? नहीं अभी तो कम कम छोड़ दिया सब कुछ। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, चेंज, यस प्लीज। क्या बेच रहे हो आप इधर? मैं, मेरे पेशेंट हैं, मैं इनमें संगीत बांट रहा हूँ। चलो भाई चेंज। ओ डॉक्टर साहब अपनी जुएं बांटो, आपका भी सर हल्का होगा थोड़ा। क्या बकवास कर रहे हो आप यार? एक मिनट भाई रुको। क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर शर्मा मेरे शागिर्दों के सामने बकवास की ना, तो मैंने ग्लूकोज की बोतल फेंक के मारने तुम्हारे मुंह पे, समझ जाए तुमको। डॉक्टर साहब हैं, अपने अस्पताल में तो कुत्ता भी शेर होता है। इधर देखो, इधर देखो कौन आया, इधर देखो ऐसे लोग आए, देखो उधर। तो फिर ऐसे कौन दिखाता है यार? ये तो तरीका। चलो कोई बात। अरे वाओ वडाली ब्रदर्स, हेलो, नाइस मीटिंग यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो लुकविंदर जी। हेलो जी। वाओ व्हाट अ म्यूजिकल डे, वेरी नाइस। मैं वहाँ पे कप्पू म्यूजिक की टूटी खोल के बैठा, यहाँ तो म्यूजिक का दरिया है वह पूरा। और चलो आशीर्वाद लो, जल्दी आओ इधर, आशीर्वाद लो, जल्दी करो जल्दी करो, बाद में देना नहीं, आशीर्वाद लो। चलो चलो इधर भी लो आशीर्वाद लो। अच्छा वो बेड नंबर 3 है ना, उसके पिल्लो के नीचे 100 रुपये रख देना जाओ। एक मिनट इधर आओ। 100 रुपये किस बात के डॉक्टर साहब? आप तो कह रहे थे आप अपनी कला बांट रहे हैं। नहीं कला तो मेरी है, मैं बांट सकता, पर आशीर्वाद तो इनका ना, उसका तो चार्ज लगेगा ना। आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी, आई एम BSSP। BSSP क्या होता है? बचपन से संगीत प्रेमी, इतना नहीं पता यार क्या तुम? ये मेहदी हसन साहब है ना, वो पहले मुझे अपना मेहदी देने वाले थे, बट फिर क्या हुआ, यहाँ से पाकिस्तान पड़ता है दूर, हाँ। तो पंजाब पड़ता है पास, उन्होंने दिलेर मेहदी को दे दिया अपना मेहंदी। बट मैंने भी ये जो उस्ताद हमारे हैं नली चोचल जी, उनसे मैंने सीखा हुआ है म्यूजिक। दिख रही है आपकी तालीम, ये क्या कान पे हाथ लगाते हैं, आप नाक पे लगा रहे हो? नहीं उनमें से बदबू बड़ी आती है ना, तो नाक पे हाथ लगाते हैं। बट म्यूजिक तो उनका साइड बिजनेस है, साइड का काम है, बट मेन काम जो भैंसों की हाइजीन मेंटेन करते हैं। सीधा कहो ना, गोबर उठाते थे? मैं नहीं कह सकता ना, मेरे उस्ताद जी, मैं बेइज्जती करता अच्छा नहीं लगता। बट उन्होंने ना मुझे एज ए संगीत की ट्रेनिंग में रसगुल्लों की दुकान पे भी थोड़ा टाइम काउंटर पे बिठा के रखा है। रसगुल्ले का म्यूजिक से क्या लेना देना है? म्यूजिक में भी रस होता है, रसगुल्ले में भी रस होता है। मैं समझ गया हूँ, तुम नहीं समझोगे, ये म्यूजिकल लोग ही समझते हैं यार इस बात को। ऐसे तो मौसमी में भी रस होता है, मौसमी में जूस होता है यार। टेस्ट करी होता है। जूस और रस तो सेम सेम हो गए ना? हाँ नहीं सेम सेम, तो बच्चे जब नंगे होते हैं उनको कहते हैं सेम सेम, वो कैसे हो गया यार? मैं को गल कर सकते? हाँ जी करो 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 जी पापा जी। एक बात याद आ गई। हाँ भाई हमारे हमारे गांव में ऐसे डॉक्टर हकीम थे हमारे गांव में बैठे थे, दोनों चाय पी रहे थे, जैसे हम चाय तुम्हारे पास पी रहे ऐसे, ऐसे वो भी चाय पी रहे थे, दोनों पी रहे थे, एक देखा थे एक आदमी वो खत्म हो गया मर गया, तो उसको लेके जा रहे शमशान घाट में। ओहो तो दोनों चाय पी रहे वो डॉक्टर वो डॉक्टर दोनों पी रहे, कहता है दूसरे को पूछता है इसको दवाई तूने दी है? कहता नहीं।
वो पूछता है आपने दी होगी दवाई, कहता नहीं मैंने भी नहीं दी, कहने लगा ना आपने दवाई दी ना मैंने दी तो मर कैसे गया। अरे थोड़ा धीरे हो जाओ भाग्यवान, कहाँ दौड़ी चली जा रही हो मुझे छोड़ के। अरे मैं नॉर्मल चल रही हूँ, अपने हाथों को बोलो पैरों से थोड़ी तालमेल बना ले। अरे बस नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, 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 नमस्कार जी। पापा ये पीछे मोहल्ले में रहते हैं हमारे अंकल आंटी, ये ऐसे ही आ जाते कभी कभी भी। अच्छा जी। हाँ, बरसात में जैसे मेंढक भी निकलते। वाह वाह वाह, ये निकल आते हैं। चलो हो गई, नमस्ते जाओ आंटी। अभी क्यों जाए, अभी तो आए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सारंगी मेरी बीवी और मैं मुरली। क्या है कि हर साल हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है उसमें हम किसी सिंगिंग ग्रुप का ऐसे बुक करते हैं। आपको पता पापा जी, ये पिछली एनिवर्सरी पे ना अनूप जलोटा नहीं जो हाँ? उनको बुक करने गए थे, फिर जब इन्होंने पेमेंट बताई ना तो अनूप जलोटा जी ने लोटा मारा इनके मुंह पे, इनके मुंह पे कटोरी बनी हुई थी। कमाल की बात कर दिया। नहीं भाई, अनूप जलोटा के पास गए तो लोटा मारा, दलेर मेहंदी के पास जाते तो वो मेहंदी मारते, मीका सिंह के पास जाते वो क्या सिंह मारते हम। अरे नहीं 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 नहीं। अरे भूल गए, मीका के पास गए थे, उसने ऐसे ठुड्डी पे ऐसे ऐसे घुटना मारा था, एक छह दिन तक का जबड़ा लॉक था, भूल गए। अरे सब याद है, सबके सामने बताना जरूरी है क्या? भूल गया भूल गया। देखिये सर वड़ाली ब्रदर्स जी, आप लोग साथ में गाते हैं तो आप जब गाते हैं तो ऐसे आधा आधा गाते हैं, तो जब पैसे भी लेते हैं तो ऐसे नोट फाड़ के आधा आधा ले लेते हैं। वाह क्या वाह, याद बात की आपने। तो आप जैसे मान लो हमें मुक्का मारना हो तो आपके अकेले के मारे के आधे आधे ही लेंगे आप भी? अरे 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 अरे, मतलब कैसा सांगीतिक माहौल था, मारने की बात कर रहा है। क्या कोई तरीका होता है? कोई बहुत गलत बात है यार, इनकी आवाज सुन के ही तो मैं इनका दीवाना हुआ था। अच्छा इतना अच्छा गाती है? नहीं नहीं नहीं, ये चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने सुना और मैंने कहा कि ओहो आज से मैं इसका फैन। ये गटर में गिर गए थे तो मैं ऐसे बचाओ, ऐसे वेरिएशन दो तीन वेरिएशन ऐसे बचाओ, तो देखा तो 200-300 लोग इकट्ठे हो गए। नहीं ऐसे बता के कुछ नहीं होगा, सुनाना पड़ेगा कैसे बचाओ बचाओ कर रही थी। जी जी जी, हम भी सुनना चाहेंगे। मैं सुनाती हूँ, लेकिन सिचुएशन होनी चाहिए भाई, गटर में तो गिर गए। ये लो भाई गटर में गिर गया। हाँ ये बात। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates